Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आ गई हूँ एक नए location में, एक नए project के साथ. So सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज मैं आई हूँ Action Area 2 में, राजाहाट New Town Action Area 2 पे. So ये जो project है ये Magnolia Merlino है. So Magnolia Merlino को आज मैं cover करूँगी. यहाँ पे basically 5 towers बनेंगे जो कि आपका G+12 है. So G+12 के आपके total 5 towers रहेंगे. और आज मुझे video पे help करने के लिए है सुपर्णा. So सुपर्णा से सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि सुपर्णा ये एग्जैक्टली अगर लोकेशन मैं बताना चाहूँ अपने व्यूअर्स को तो क्या बताऊंगी कि कहाँ से आना है. एग्जैक्ट लोकेशन है इको स्पेस से बाइक कर आपको 5 मिनट्स लगेगा. अच्छा, सो इको स्पेस से हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेगा. और ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है, लाइक मेट्रो कहाँ है यहाँ पे? मेट्रो 9 मिनट्स के अंदर शिक्षा क्षेत्र मेट्रो स्टेशन है. अच्छा, सो शिक्षा क्षेत्र नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है. और अगर मतलब बस पकड़ना हो, ऑटो वगैरह, इको स्पेस से बस मिल जाएगा. अच्छा, सो मतलब आपको यहाँ आपके फ्लैट के आपके प्रोजेक्ट के पास से ही आपको ऑटो वगैरह मिलेगा. ऑटो से आपको इको स्पेस जाना है, वहां से आपको हर ऑल ओवर कोलकाता के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी. अच्छा, सो मुझे आप ये बता दो कि यहाँ पे नियरेस्ट हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस की क्या व्यवस्था है? नियरेस्ट हॉस्पिटल है टाटा मेडिकल हॉस्पिटल है, और है बेलव्यू हॉस्पिटल है, उज्जीवन हॉस्पिटल है, बस हॉस्पिटल इतना है. अच्छा, सो उज्जीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ पे, वेलव्यू हॉस्पिटल है यहाँ पे, ददरिया पेन हॉस्पिटल है. सो ये हॉस्पिटल है. स्कूल कॉलेजेस वगैरह? स्कूल है डीपीएस मेगा सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी, आलिया यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर भी इसके नियरेस्ट में है. ओके, और अगर जैसे यहाँ पे मार्केट मतलब वगैरह की बात करें तो मार्केट स्पेंसर मार्केट है, सुपर मार्केट. अच्छा, और अगर लोकल सब्जी भाजी लेनी हो तो पास में कालून मोड़ है, इधर आपको सब कुछ मिल जाएगा. अच्छा, सो कालून मोड़ मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के रास्ते के पास से ही आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट जाना है, वहाँ पे कालून मोड़ है, वहाँ पे पूरा आपका सब्जी मंडी बैठता है. तो वहां से आप लोग अपना जो लोकल सब्जी भाजी या कुछ भी लेना हो तो आप लोग वहां से ले सकते हैं. अच्छा, सो अब मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये जो टावर है, ये जितने भी टावर है अभी तो मैंने देखा कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कितने ईयर में मतलब कौन से ईयर में हैंड ओवर मिल जाएंगे? इसका हैंड ओवर है 2024 के एंड में. अच्छा, 2024 के एंड में हैंड ओवर मिलना शुरू हो जाएगा. अच्छा, सो यहाँ पे कितने लेआउट में फ्लैट है? 2 BHK है और 3 BHK है. अच्छा, सो ओके, सो 2 BHK में कितने स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है? 2 BHK का स्क्वायर फीट है 935 से 965. और 3 BHK कितने लेआउट है? 3 BHK का स्क्वायर फीट है 1189 से 1322. अच्छा, सो 1189 से लेके 1322 तक आपके 3 BHK अवेलेबल है, डिफरेंस लेआउट में है. सो अभी मैं आपको बेसिकली दो लेआउट वाले फ्लैट दिखाऊंगी, यानी कि दो मॉडल फ्लैट दिखाऊंगी, एक 2 BHK का, एक 3 BHK का. जो 2 BHK है वो 933 का है, और जो 3 BHK मैं दिखाऊंगी वो आपका 1302 स्क्वायर फीट में है. सो आपको जो लेआउट दिख रहा है वो पर्टिकुलर इस स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया के साथ ये लेआउट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लेआउट में फ्लैट्स अवेलेबल है. आप जब विजिट करेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप अपने हिसाब से, अपने फेसिंग के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लेआउट चेक ले सकते हैं और बिल्डअप एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं. और इसका जैसे कि बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बिल्डिंग्स बन गए हैं, इंटीरियर के काम चालू हो गए हैं. सो आपको बाय द एंड ऑफ 24 आपको हैंडओवर मिलना शुरू हो जाएगा. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू लोन, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्रोजेक्ट वो SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है. SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट यानी कि आपको किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा, चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक हो चाहे नॉन गवर्नमेंट बैंक हो. सो लोन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. और जैसे कि यह सुपर्णा साथ में है, सो सुपर्णा आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्प कर देगी. कोई लोन के बारे में कोई यू नो इन्फॉर्मेशन चाहिए या कैसा क्या, सारी डिटेल्स आप सुपर्णा से ले सकते हैं. सुपर्णा का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, इनकी कंपनी का नाम भी नीचे और नंबर भी नीचे दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अच्छा सर, सुपर्णा मुझे एक चीज और बता दो, यहाँ पे पार्किंग की क्या व्यवस्था है? ओपन पार्किंग है, कवर पार्किंग सब सोल्ड आउट हो गया है, अभी ओपन पार्किंग है 3 लाख का. अच्छा, सो मतलब अभी बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपका जो कवर्ड पार्किंग है वो पूरी तरह से सोल्ड आउट है. अभी आपको सिर्फ ओपन पार्किंग मिलेगा. जो ओपन पार्किंग का प्राइस रखा गया है वो 3 लाख ऑनवर्ड्स रखा हुआ है. सो मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो 2 BHK है उसका जो प्राइसिंग स्टार्ट है वो 45 लाख ऑनवर्ड रखा गया है, और जो 3 BHK है उसका जो प्राइसिंग रखा गया है 55 लाख ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा. सो कवर्ड पार्किंग नहीं मिलेगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये वीडियो बनाने में मुझे देर हो गई, इस प्रोजेक्ट को कवर करने में मुझे देर हो गई है. सो ओपन पार्किंग आपको मिल जाएगा 3 लाख ऑनवर्ड्स. तो आप
अगर आपके पास कार है तो आपको ओपन पार्किंग मिल जाएगी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर अब मैं बात करूं, ये प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली यहाँ पे 5 टावर है, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली आपको पावर बैकअप, वाटर फिल्टर, सिक्योरिटी, कैमरा, ये सारी चीजें जो एक कॉम्प्लेक्स में होनी चाहिए, सारे एमिनिटीज आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो मेंटेनेंस चार्जेस रखा गया है ये 2 रुपए से 2.50 रुपए पर स्क्वायर फीट रखा गया है, मतलब जितना आपका सुपर बिल्ड एरिया होगा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और पानी की, जैसे मैंने बता दिया है कि कोलकाता में आयरन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ ये क्योंकि ये प्रोजेक्ट है सो ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट रहेगा, सो आपको अच्छा पानी मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो प्रोजेक्ट होने के कारण आपको पावर बैकअप तो मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो WBSE के अंदर पड़ेगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इशू नहीं होगा। सो एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो मैग्नोलिया प्रोजेक्ट है ये आपका सिंगापुर थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको जितने भी आपके रोड्स वगैरह बनेंगे उसके साइड में ऑर्किड के प्लांट लगाए गए हैं, पूरा ग्रीनरी जितना भी है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट का जो आउटलेट है या फिर लेआउट बनेगा वो पूरा सिंगापुर बेस्ड बनेगा। सो आप लोग यहाँ पे विजिट कीजिए, इनके पास और भी अच्छे मतलब वीडियोज हैं जो आपको क्लिपिंग्स है या प्रोजेक्ट का मॉडल दिखा सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको उसमें समझ में आएगा कि वॉट आई मीन जब मैं बोल रही हूँ कि सिंगापुर का लेआउट के साथ यानी उसके थीम बेस्ड ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सो 5 टावर्स है, G+12, सो आपको ये हाई राइज बिल्डिंग है। अच्छा, सो और एक चीज, बेसिक सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं जानना चाहूंगी सुपर्णा से, सुपर्णा यहाँ का पर स्क्वायर फीट प्राइस कितना रखा गया? 4,400 है। अच्छा, सो पर स्क्वायर फीट प्राइस आपका 4,400 है। आप जिस तरह का लेआउट लेते हैं, जिस बिल्डअप एरिया में लेते हैं, उस हिसाब से आप अपना फ्लैट का प्राइसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। सो अभी जो मैं फ्लैट कवर करूंगी 2BHK और 3BHK जो मॉडल फ्लैट कवर करूंगी, 2BHK का जो प्राइस है 45 लाख है और जो 3BHK है वो 55 लाख ऑनवर्ड्स है। तो अगर आप अगर डिफरेंट लेआउट या डिफरेंट बिल्डअप एरिया में लेते हैं तो 4,400 करके आप अपना स्क्वायर फीट कवर कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि क्योंकि लिए सुपर्णा मिलियन एकर्स की तरफ से है, सो अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन में देना मिस आउट कर जाती हूँ या भूल जाती हूँ तो उनका नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप सुपर्णा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी भी तरह का ब्रोकरेज नहीं है, ये ब्रोकरेज फ्री प्रोजेक्ट है, यानी कि आपको किसी भी तरह का ब्रोकरेज यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। सो ग्रैब इट सून, क्योंकि वैसे ही मैं बता चुकी हूँ कि प्रोजेक्ट बनने से पहले ही यू नो कवर पार्किंग सारे सोल्ड आउट हो गए हैं, अभी आपको ओपन पार्किंग मिलेगा। सो आप जितना लेट करेंगे उतने ही सारे फीचर्स आपके हाथ से चले जाएंगे, ऑप्शंस बहुत कम होंगे। सो अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, इसका लेआउट, इसकी प्राइसिंग अच्छी लगती है, इसका थीम अच्छा लगता है, सो विजिट सून, कॉल कीजिए सुपर्णा को और यहाँ पे विजिट कीजिए, डेफिनेटली यू गोना लाइक इट। सो सुपर्णा सर, अगर कोई मेरा वीडियो देख कर आता है सो उनके लिए कुछ ऑफर वगैरह, कुछ डिस्काउंट वगैरह? आपका वीडियो देख के जो भी आएगा उसके लिए स्पेशल ऑफर रहेगा और गिफ्ट भी रहेगा। वाओ, गुड। सो आप लोग अगर विजिट करते हैं तो मेंशन माय चैनल एंड डेफिनेटली आपको एक बेस्ट डील मिलेगी, एक ऑफर मिलेगा डेफिनेटली। जैसा कि बताया सुपर्णा ने, कुछ गिफ्ट भी अवेलेबल है, सो आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। सो प्लीज ग्रैब इट सून, विजिट सून। ओके, सो चलिए अभी मैं आपको मॉडल फ्लैट दिखा देती हूँ और प्रोजेक्ट का टूर करा देती हूँ। सो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ऐसा ही ये प्रोजेक्ट बनके तैयार होगा। यहाँ पे टोटल 5 टावर्स होंगे जिसमें G+12 फ्लोर्स होंगे। सो एग्जैक्टली ये ऐसा ही दिखेगा और ये बेसिकली जैसा कि आपने देखा है कि सिंगापुर का एक आइकन आपके सामने बनाया हुआ है, सो ये बेसिकली सिंगापुर थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे पूरे रोड के साइड में, पूरे प्रोजेक्ट के आसपास पूरे ऑर्किड के प्लांट्स रहेंगे। सो ये सिंगापुर थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। सो चलिए अभी हम उसका अंदर चल के हम मॉडल फ्लैट का लेआउट देखते हैं और उसके बारे में डिटेल्स ले लेते हैं। सो लेट्स गो। सो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे एमिनिटीज में पूल, जिम, आपको कैफेटेरिया, सिंगापुर थीम बेस्ड आपका ये पूरा लेआउट तैयार होगा, पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा। ब्यूटीफुल।
सो चलिए अभी मैं आपको 3 BHK का मॉडल फ्लैट का लेआउट दिखा देती हूँ। इसका सुपर बिल्ट एरिया 1302 स्क्वायर फिट है। सो इसमें भी आपको 2x2 के वेट्रीफाइड के टाइल्स दिए गए हैं। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो 14x10 का आपको ये लिविंग स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप अपना टीवी रख सकते हैं और उसके सामने में ही आप अपना यहाँ पे एक एल शेप में काउच रखा हुआ है। आप चाहे तो आप भी एल शेप में यहाँ पे अपना एक काउच रख सकते हैं। सो ये आपका ऑलमोस्ट 14x10 का लिविंग स्पेस दिया गया है। सामने में ही आपको यहाँ पे डाइनिंग कम हॉल के लिए स्पेस मिल जाएगा। राइट साइड में ही आपको किचन के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो किचन है, इस किचन का स्पेस 6x10 है। सो 6x10 का आपको ये एक किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है, आप इसको और मॉडिफाइड कर सकते हैं। जस्ट ये मॉडल फ्लैट है तो यहाँ पे जो भी दिखने वाली चीज़ें हैं सब आर्टिफिशियल है। आप अपना यहाँ पे अपनी तरह से मॉडिफाइड कर सकते हैं। एक मीडियम साइज का सिंक, एक बड़ी सी विंडो, यहाँ पे आपको माइक्रोवेव के लिए एक पॉइंट, यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट, कॉमन स्विचेस। सो ये जो आपका किचन है वो 6x10 का आपको ये एक किचन दिया गया है। किचन के ऑपोजिट में ही आपको ये लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है। सो ये जो लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है वो 10x17 का आपको ये एक लिविंग स्पेस दिया गया है, जहाँ पे आप अपना इजीली 6-सीटर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे रखा हुआ है। सो इट्स अ 10x17 का लिविंग कम डाइनिंग का आपको स्पेस दिया गया है। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको एक बैल्कोनी मिल जाएगी। सो ये जो बैल्कोनी है वो 4.5x10 का आपको ये बैल्कोनी दिया हुआ है। सो 4.5 का आपको यहाँ पे डाइनिंग कम लिविंग स्पेस से अटैच एक बैल्कोनी मिल जाएगा। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक कैबिनेट के लिए स्पेस दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना वार्डरोब बना सकते हैं। यहाँ पे सामने में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये 8x4 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन मिल जाएगा, वेस्टर्न टॉयलेट शीट और शावर पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, एक मीडियम साइज का विंडो दिया गया है। अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है बट स्टिल आप लोग गेस कर सकते हैं कि आप लोग का जो बाथरूम होगा वो सेम इसी साइज का होगा, विच इज 8x4। बाथरूम के जस्ट राइट साइड में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम में आपको दो बड़े बड़े से विंडो मिल जाएंगे। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है 11x10 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। बेड के बाजू में ही कॉमन स्विचेस दिए गए हैं और ये फर्स्ट बेडरूम का एंट्रेंस है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 11x10 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो फर्स्ट बेडरूम से निकलते ही राइट साइड में आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सामने एक स्पेस दिया गया है वार्डरोब के लिए। उसके बाद जैसे ही आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये आपका हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है। सो वो आपका मेन एंट्रेंस है। उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे हॉल के लिए स्पेस दिया गया है और ये आपका लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको ये मास्टर सेकेंड बेडरूम दिया गया है, ये इसका एंट्रेंस है। सो ये जो मास्टर सेकेंड बेडरूम है, दरवाजे से घुसते ही ऑपोजिट साइड में आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो ये जो अटैच बाथरूम है ये भी 8x4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया हुआ है।
जहाँ पे आपको एक विंडो, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट्स, वेस्टर्न टॉयलेट शीट और एक ये बेसिन दिया गया है। जैगुआर के एस्को के मॉडल्स लगे हुए हैं पूरे फ्लैट में। सो ये आपका मास्टर बेडरूम से अटैच 8x4 का ये एक अटैच बाथरूम है। उसी के बाजू में ही आपका ये सेकेंड मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे भी आपको दो बड़े बड़े से विंडो मिल जाएंगे। वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है। सो ये जो आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम है, इसका साइज 12x11 है। सो 12x11 का आपको ये एक ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है, जहाँ पे दो बड़े बड़े विंडो, वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। इन्होंने इस रूम को इस तरह से सजाया है। आप इसको और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये आपका अटैच बाथरूम है और उसके ऑपोजिट में ही सेकेंड मास्टर रूम का एग्जिट है, एंट्रेंस है। यहाँ पे बाथरूम के लिए स्विचेस और दरवाजे के इस साइड में आपको कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। तो जैसे ही आप सेकेंड बेडरूम से निकलेंगे, वापस आप अपने डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। डाइनिंग स्पेस के ऑपोजिट में ही आपको थर्ड बेडरूम दिया गया है। सो ये जो थर्ड बेडरूम है, इसका साइज 10x12 है। सो 10x12 का आपको ये एक थर्ड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक ही विंडो मिलेगा और एक ह्यूज सा वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो थर्ड बेडरूम है, ये 10x12 का आपको ये एक थर्ड बेडरूम दिया गया है। दरवाजे के बाजू में कॉमन स्विचेस दिए गए हैं और ये इसका एंट्रेंस है। सो थर्ड बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉल कम डाइनिंग कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम है, ये आपका कॉमन बाथरूम है और उसके बाजू में ही आपका ये सेकेंड बेडरूम है। यहाँ पे और इस जगह पे डोर लगाकर आप इन दोनों को अटैच बाथरूम वाले दो मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। सो ये आपका प्रेफरेंस है। यहाँ पे मोस्टली सामने में ही आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है, बट अगर आप यहाँ पे डोर लगा देते हैं सो ये दो ही अटैच बाथरूम के साथ आपको दो मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। और ये आपका किचन है, ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है और वो एंट्रेंस है। हॉल के ऑपोजिट में ही आपको MCV पॉइंट दिया हुआ है पूरे फ्लैट का और ये आपका एंट्रेंस है। ओके सो फ्रेंड्स, चलिए मैं अभी आपको 2BHK मॉडल फ्लैट का रूम टूर करा देती हूँ। सो ये जो 2BHK है, इसका सुपर बिल्ट एरिया 965 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया में है। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये हॉल, हॉल कम लिविंग स्पेस। यहाँ पे आपको एल शेप का एक सोफा दिया हुआ है, काउच दिया गया है। सो ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस है, ये 10x12 है। सो 10x12 का आपको घुसते ही साथ में ये हॉल कम लिविंग स्पेस मिल जाएगा। सामने में ही आपको यहाँ पे ये डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका डाइनिंग का स्पेस है, ये ऑलमोस्ट 9x14 का आपको ये एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो डाइनिंग का स्पेस है, ये 9x14 का ऑलमोस्ट आपको ये एक डाइनिंग स्पेस दिया गया है। डाइनिंग में भी आपको AC का पॉइंट दिया हुआ है। सो डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है, इसका साइज 7.5x4 है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा विंडो, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट्स, वेस्टर्न टॉयलेट शीट और एक बेसिन मिल जाएगा। सो 7.5x4 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के ऑपोजिट में ही आपको ये डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। डाइनिंग के लेफ्ट साइड में ही आपको ये एक किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको कवर्ड किचन मिल जाएगा। सो ये जो किचन है, इसका साइज 10x7 है। सो 10x7 का आपको ये ह्यूज सा किचन दिया गया है। यहाँ पे इन्हों ये मॉडल फ्लैट होने के कारण एक मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है, जो कि डेमो के लिए है। यहाँ पे आपको मीडियम साइज का सिंक, एक बड़ी सी विंडो, ग्रेनाइट का
टॉप, ग्रेनाइट का किचन टॉप, यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट, कॉमन स्विचेस मिल जाएंगे। सो ये आपका 10x7 का आपको ये कवर्ड किचन दिया है। किचन के ऑपोजिट में ही आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है। डाइनिंग में ही आपको एक बड़ी सी विंडो मिल जाएगी स्लाइडिंग डोर के साथ। एसी के लिए पॉइंट दिया गया है। डाइनिंग को क्रॉस करते ही राइट साइड में ही आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है, ये 11x11 का आपको एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट मिल जाएगा। दरवाजे के पास में कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। फर्स्ट बेडरूम से ही अटैच आपको एक बैल्कोनी दी गई है। ये जो बैल्कोनी है, ये 10x2.5 का आपको ये एक बैल्कोनी मिल जाएगा। सो ये 11x11 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने एक वार्डरोब बनाया हुआ है, एक मॉडल वार्डरोब बनाया हुआ है। बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे इन्होंने वॉलपेपर लगाया है बेड के पीछे में। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक ह्यूज सा आपको मिरर दिया गया है वार्डरोब के बाजू में ही। और ये आपका फर्स्ट बेडरूम का एग्जिट है। सो फर्स्ट बेडरूम से निकलते ही राइट साइड में आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है, ये 12x12 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको दो विंडोज मिल जाएंगे, एक फ्रंट में और एक लेफ्ट साइड में। यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है, ये 12x12 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम में एग्जिट के पास ही, यानी एंट्रेंस डोर के पास ही, बाजू में ही आपको अटैच बाथरूम दिया गया है। सो अटैच बाथरूम आपका 8x4 का आपको अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक विंडो, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, टॉयलेट शीट और बेसिन दिया गया है। सो ये आपका 8x4 का आपको ये अटैच बाथरूम दिया गया है मास्टर बेडरूम से। ये 12x12 का आपका ये मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम का एग्जिट है। एग्जिट के बाजू में ही ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है। ये डाइनिंग है। सामने में आपको किचन है। लेफ्ट साइड में आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। और सामने में ही आपको ये हॉल के लिए स्पेस दिया गया है। और वो आपका मेन एंट्रेंस है। और बाजू में ही कॉमन स्विचेस और ऊपर में आपको एमसीबी पॉइंट दिया हुआ है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, दोनों 2BHK 3BHK का लेआउट दिखा दिया। आई बिलीव आपको इनका लेआउट अच्छा लगा होगा, प्राइसिंग अच्छी लगी होगी, लोकेशन अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोग को इसका लोकेशन, प्राइस, अगर एवरीथिंग आपको सूट्स करता है तो डेफिनेटली विजिट कीजिए। सुपर्णा का नाम नंबर दिया हुआ है, विजिट कीजिए। सो अभी टाइम हो गया अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में, किसी नए प्रोजेक्ट में के साथ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।